कभी गालीबाज तो कभी गोलीबाज, कौन है बिहार का आईएएस केके पाठक? शिक्षा मंत्री से टकराने वाले केके पाठक का रहा है विवादों से नाता। सुशील मोदी से भी टकरा चुका है बिहार का ये करक आईएएस। आईएएस केशव कुमार पाठक उर्फ केके पाठक पर बिहार की पावर लॉबी में बवाल है। ब्यूरोक्रेसी में करक अफसर के तौर पर जाने वाले पाठक एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। कभी गोलीबाज तो कभी गालीबाज का तमगा ले चुके आईएएस केके पाठक इस बार सीधे अपने ही विभाग के मंत्री से टकरा गए हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार को इस मामले में शामिल होना पड़ा है। अभी शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर केके पाठक काम कर रहे हैं। इस विभाग के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और पाठक के बीच का विवाद सुर्खियों में है। आइए जानते हैं पूरे मामले को। दरअसल 1990 बैच के आईएएस हैं पाठक। बिहार का कोई मुख्यमंत्री किसी विभाग को दुरुस्त करना चाहता है तो उसे केके पाठक की याद आती है। लालू से लेकर नीतीश तक इन्हें आजमा चुके हैं। जानकार बताते हैं कि पाठक के बारे में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ठीक से होमवर्क नहीं किया था। बिना सोचे समझे विभाग के सचिव पाठक से भिड़ गए, अपने निजी सचिव से पीत पत्र भिजवा दिए। उसके बाद पाठक ने निजी सचिव की ऑफिस में एंट्री बंद कर दी, मंत्री से उनकी डॉक्टरेट की डिग्री मांग दी। इसके बाद चंद्रशेखर भागे भागे लालू के दरबार में पहुंचे। लालू ने हाथ खड़ा कर दिया, फिर सीएम नीतीश के यहाँ गुहार लेकर पहुंचे, अपनी फरियाद सुनाई। केके का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे माफिया के पसीने छूट जाते हैं। कुछ लोग हद से ज्यादा जिद्दी और जुनूनी अफसर तक कहते हैं। कभी ये ठेकेदार पर रिवॉल्वर तानने के लिए सुर्खियों में आते हैं, तो कभी एक साथ एक बैंक के 7 ब्रांच मैनेजरों पर एफआईआर का आदेश देने के लिए गोलीकांड भी पाठक कर चुके हैं। 2015 में जब महागठबंधन सरकार सत्ता में आई तो पाठक दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर थे। राज्य सरकार ने इनकी वापसी बिहार में कराई, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून की जिम्मेदारी इन्हें दे दी। मद्य निषेध विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। कानून की सख्ती के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। बाद के दिनों में सियासी मजबूरियों की वजह से कानून को लचीला बनाया गया। बिहार में शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा बजट अलॉट किया जाता है। राज्य के शिक्षा मंत्री को काफ़ी पावरफुल माना जाता है। हाल के दिनों में 170,000 वैकेंसी निकाली गई है। नीतीश कुमार ने केके पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया। अब केके पाठक की तफ्तीश से मंत्री चंद्रशेखर बिलबिला उठे, अनाप शनाप बोलने लगे, केके पाठक को हरकाने लगे, नायक फिल्म का अनिल कपूर और रॉबिन हुड न बनने की सलाह देने लगे, पीत पत्र भिजवाने लगे। जब पाठक फॉर्म में आए तो चंद्रशेखर के पसीने छूटने लगे। लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी। लालू जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पाठक को गोपालगंज में डीएम बनाकर भेजा था। पाठक के डीएम बनते ही समय से आधे घंटे पहले स्कूल लग जाती थी। पूरा काम खत्म होने के बाद ही विद्यालय को बंद किया जाता था, मतलब आज का काम आज। उससे पहले कभी भी स्कूल समय से नहीं खुलते थे, टीचर भी समय पर स्कूल नहीं आते थे। आते थे तो जाने का टाइम देखते रहते थे, नहीं आए तो भी हाजिरी भर देते थे। केके पाठक भेष बदल कर कभी गार्जियन तो कभी चपरासी तो कभी आम आदमी के रूप में स्कूलों का मुआयना करने लगे। शिक्षकों से लेकर अफसरों तक परीक्षण लेने लगे। अखबारों की सुर्खियां बनने लगी। प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई थी। सिर्फ स्कूल ही नहीं, सड़क से लेकर अस्पताल तक में पाठक का असर दिखने लगा। लोगों के बीच केके पाठक की इमेज हीरो वाली बन गई। सरकारी ऑफिस की पहचान घुसखोरी और कर्मचारियों की लेट लतीफी बन गई थी। उस पर भी पाठक का असर दिखा। ऑफिस में चप्पल घिस चुके लोगों के लिए पाठक ने अपना दरवाजा खोल दिया। गुहार लेकर सीधे डीएम ऑफिस लोग पहुंचने लगे। खास बात थी कि वो उस पर कुछ न कुछ एक्शन जरूर लेते थे। इसके बाद सत्ता से जुड़े लोगों को परेशानियां होने लगी। आखिरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू ने इन्हें ट्रांसफर कर पटना बुला लिया। ऐसी बात नहीं है कि केके पाठक की आँच को सिर्फ लालू यादव और नीतीश कुमार ही बर्दाश्त करते रहे, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार पाठक को निरंकुश और सनकी बता दिया था। इसके बाद पाठक ने सुशील मोदी को लीगल नोटिस भेज दिया था। बहरहाल बिहार की सियासत में एक बार फिर केके पाठक के नाम का जोरों से चर्चा है।
कुछ महीने पहले ही 2023 के फरवरी महीने में के पाठक का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें के पाठक जो हैं गाली देते हुए नजर आए थे, जिसके बाद उन्हें गालीबाज का भी तगमा मिला था। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।